नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई से त्रस्त, क्या कहते हैं सितारगंज के वाशिंदे। केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने पूरी तरह से विफल हो गई है। आज महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार इनके रेट भी बढ़ रहे हैं, जबकि आम आदमी के आय में स्रोत कम हो रहे हैं। आज खाने पीने की सारी चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम जनमानस की पहुंच से बाहर हो गई। घरेलू गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि मीडियम आदमी परेशान है और सरकार है कि अपनी पीठ थपथपा रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जो हवा हवाई साबित हो रही है। लेकिन मतलब सरकार है तो फिर ये भी तो सोचना चाहिए ना कि गरीब या मीडियम लोग कैसे मतलब अपना गुजारा करेंगे, कि उनको मतलब पेट्रोल भी जरूरत का है, हमेशा हर रोज का है, और जो रसोई गैस है वो भी। अब एक छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनके बारे में तो सोचना चाहिए कि ये अमीर लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम वाले भी कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे पॉइंट है उसका क्या करना चाहिए फिर? बाकी की है, उन्होंने जो 500-500 रुपए अकाउंट में डाले थे ना, वो सब उन्होंने बहुत जल्दी वापस कर लिए हैं, अपने अपने उसमें जल्दी वापस कर लिए। नाम ही हो गया लॉकडाउन में 500-500 अकाउंट में आया, कुछ नहीं हुआ उससे, नोच लिए एक साइड से अभी से ही ये महंगाई कर करके। सरकार को आप चाहिए, सरकार है तो मतलब सबके लिए होना चाहिए ना, एक सा होना चाहिए। इतनी महंगाई करके क्या हासिल होगा, ये ज्यादा बिगड़ेगा। अभी 15 दिन पहले 730 का मतलब आया है सिलेंडर, अब सीधे और बढ़ गया है इसका रेट, बताइए कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, भी नहीं बचेगा। पहली बात तो लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है किसी की भी लाइफ में, तो और ज्यादा ही दिक्कत है इस चीज को लेकर। तो उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए, अमित शाह जी को और मोदी जी को अपने पूरी कैबिनेट के साथ बैठक करनी चाहिए, उसमें विचार करना चाहिए कि एक प्रकार तो हमारा जो किसान भाई बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पिछले लगभग 80-90 दिन उन्हें होने जा रहे हैं, 3 महीने के लगभग उन्हें होने जा रहे हैं, तब भी उनका कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है, किसान बहुत परेशान है। दूसरी तरफ ऊपर से आप तमाम प्रकार का उल्टा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया है आपने, डीजल महंगा कर दिया है, गैस में भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। इस पर अगर आप बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को मजबूर होकर के आपके खिलाफ आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा और आपको जिताना पड़ेगा। आप अगर समय रहते नहीं देते तो इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनावों में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।